हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कुमार सिंह। आज मैं आपको एक केमिकल कंपनी बताऊंगा जिसमें आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा सकते हो। ये जो कंपनी है फ्रेंड, वो कई तरह के इंडस्ट्री के लिए केमिकल बनाती है, जैसे पेंट एंड पिगमेंट, फार्मास्यूटिकल, होम केयर, पर्सनल केयर, एग्रोकेमिकल, पॉलीमर्स, फूड बेवरेज, रिफाइनरी एंड ऑयल फील्ड, फर्टिलाइजर, प्लास्टिक इंडस्ट्री और भी कई तरह के इंडस्ट्री के लिए इनके पास प्रोडक्ट हैं। बहुत ही जबरदस्त कंपनी है भाई, आपका लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट होगा, तो आप लोग इस कंपनी में पैसा लगा के भूल जाओ। आप अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन दबा लो। अगर बेल बटन आप अगर नहीं क्लिक करते हो तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। सबसे पहले मैं इसका क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट देख लेता हूँ, और आप लोग भी किसी भी कंपनी में पोजीशन बनाने से पहले एक बार उसका फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता कीजिएगा, कंपनी के धंधे के बारे में पता कीजिएगा। अगर भाई उस कंपनी का धंधा अच्छा होगी, उनके बिजनेस मॉडल अच्छी होगी, उनके प्रोडक्ट अच्छे होंगे, तभी जाकर वो कंपनी अच्छे रिजल्ट पेश करेंगी। और जब कोई कंपनी अच्छे रिजल्ट पेश करती है तो ही फ्रेंड लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट होता है। तो देखो, नेट सेल टर्नओवर दिसंबर 17 में था वो 990.02 था, दिसंबर 17 में 990.02 था, और दिसंबर 18 में देख लो 1268.15 हो चुका है। तो मुझे इसका नेट सेल क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। टोटल इनकम देख लो, टोटल इनकम भी इसका शानदार है क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज। दिसंबर 17 में जो टोटल इनकम था वो 991.00 था दिसंबर 17 में, और दिसंबर 18 में हो चुका है वो 1268.39 हो चुका है। तो भाई मुझे इसका नेट सेल टोटल इनकम क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका शानदार है क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज। दिसंबर 17 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 177.81 था, दिसंबर 17 में 177.81 था, और दिसंबर 18 में देख लो 246.87 हो चुका है, और किसी भी क्वार्टर में कम नहीं रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है। एबिटा देख लो, एबिटा भी इसका शानदार है क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज। दिसंबर 17 में जो एबिटा था वो 178.59 था दिसंबर 17 में, और दिसंबर 18 में हो चुका है वो 247.11 हो चुका है, और ये भी किसी भी क्वार्टर में कम नहीं रहा है। तो भाई मुझे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिटा क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस में देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस को भी काफी इम्पोर्टेंट होता है। तो देखो, दिसंबर 17 में जो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर था वो 19.19 था दिसंबर 17 में, और दिसंबर 18 में हो चुका है वो 132.65 हो चुका है। तो देख सकते हो भाई कितना जबरदस्त है इसका प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर, 90 से 132 हो चुका है। रिपोर्टेड पैट देख लो, रिपोर्टेड पैट भी इसका शानदार है क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज। दिसंबर 17 में जो पैट था वो 90.19 था, और दिसंबर 18 में हो चुका है वो 132.65 हो चुका है। तो भाई मुझे इसका क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अब मैं इसका ईयर टू रिजल्ट देख ले रहा हूँ, पहले आप क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट देख रहे थे। तो देखो, मार्च 14 में जो नेट सेल था वो 2632.78 था मार्च 14 में, और मार्च 18 में हो चुका है वो 3699.31 हो चुका है। तो देख सकते हो भाई इसका नेट सेल कितना जबरदस्त है ईयर टू ईयर वाइज, 2632 से 3699 हो चुका है। टोटल इनकम देख लो, टोटल इनकम भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 14 में जो टोटल इनकम था वो 2643.20 था मार्च 14 में, और मार्च 18 में देख लो 3701.44 हो चुका है। तो भाई मुझे इसका नेट सेल टोटल इनकम ईयर टू ईयर वाइज बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 14 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 395.49 था मार्च 14 में, 395.49 था, और मार्च 18 में देख लो 656.73 हो चुका है, और किसी भी ईयर में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं कम रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है। एबिटा देख लो, एबिटा भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज।
14 में जो एबिटा था वो 405.91 था मार्च 14 में, और मार्च 18 में देख लो 658.86 हो चुका है, और किसी भी ईयर में इसका एबिटा भी नहीं कम रहा है। तो भाई मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिटा ये तो भाई बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस ये देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस वो काफी इंपॉर्टेंट होता है भाई। तो देखो मार्च 14 में जो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर था वो 148.69 था, मार्च 14 में 148.69 था, और मार्च 18 में देख लो 316.44 हो चुका है, और किसी भी ईयर में इसका प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर भी नहीं कम रहा है भाई। रिपोर्टेड पैट देख लो, रिपोर्टेड पैट भी इसका शानदार है ईयर टू एवरेज। मार्च 14 में जो रिपोर्टेड पैट था वो 148.69 था मार्च 14 में, और मार्च 18 में हो चुका है वो 316.44 हो चुका है, और ये भी किसी भी ईयर में कम नहीं रहा है। ईपीएस देख लो, ईपीएस भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 14 में जो अर्निंग पर शेयर था वो 16.78 था मार्च 14 में, और मार्च 18 में देख लो 38.92 हो चुका है, 16 से 38 हो चुका है भाई। तो आप लोग इस कंपनी में दिल खोल के पैसा लगाइए, लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा, बहुत तेजी से ये कंपनी रिटर्न बना के देगा। तो खरीदिए, हर गिरावट में इस कंपनी में पैसा लगाते रहिए। आरती इंडस्ट्री का अब मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ। 1250 रुपया से ट्रेड मैं इसको बताना स्टार्ट किया था, और ये स्टॉक 1800 रुपया के ऊपर भी गया था। आरती इंडस्ट्री का आपको मैं प्रोडक्ट यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं केमिकल में दिखा देता हूँ आपको। तो देखो यहाँ पे डाइस, बेसिक फार्मा, पिगमेंट, एग्रोकेमिकल, पॉलीमर, फर्टिलाइजर, प्लास्टिक, रिफाइनरी एंड ऑयल फील्ड केमिकल, स्पेशली केमिकल, फूड बेवरेज, और भी कई तरह के इंडस्ट्री के लिए इनके पास प्रोडक्ट है केमिकल में। आरती इंडस्ट्री का और भी मैं आपको प्रोडक्ट यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे सर्फैक्टेंट्स में दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो बेबी केयर, ओरल केयर, हेयर केयर, होम केयर, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, स्किन एंड पर्सनल केयर। तो भाई बहुत ही अच्छी कंपनी है, आप लोग इस कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करें और देखें इनके पास जो प्रोडक्ट है वो किस किस इंडस्ट्री में यूज होता है और कौन यूज करता है, ये सब भाई आप नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आरती इंडस्ट्री लिमिटेड अब तक किस टाइप से रिटर्न बना के दे चुका है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो ये कंपनी पिछले 10 साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है, और आगे फ्रेंड इसी टाइप से रिटर्न बना के दे सकता है। तो देखो 10 साल का रिटर्न है वो 4263.10% है, यानी ये कंपनी पिछले 10 साल में 42 गुना रिटर्न बना के दे चुका है। अगर ऐसे कंपाउंडिंग में कैलकुलेशन करोगे तो भाई कितना पैसा हो जाएगा आप सोच भी नहीं सकते हो, और 5 साल में भी फ्रेंड ये कंपनी लगभग 10 गुना रिटर्न बना के दिया है। सेंसेक्स का रिटर्न देख लो 241.69% है, 3 साल में देख लो, 3 साल में ये कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है, देख सकते हो 198.63% है। सेंसेक्स का रिटर्न है 54.43% है। 1 ईयर में देख लो, 1 ईयर में कितना रिटर्न है, तो देख सकते हो 1 ईयर में जो रिटर्न है वो 20.18% है। सेंसेक्स का रिटर्न है 11% है। तो देखो भाई शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो बहुत ही कम रिटर्न मिलता है, आप हमेशा लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट कीजिए तो ही फ्रेंड आप बड़ा पैसा बना सकते हो, शॉर्ट टर्म में भाई कुछ भी पैसा नहीं बनता है। ईयर टू डेट में देख लो, ईयर टू डेट में रिटर्न है वो 10.54% है। सेंसेक्स का रिटर्न है वो 8.03% रिटर्न है। 1 मंथ में देख लो, 1 मंथ में रिटर्न है 0.88% है। सेंसेक्स का जो रिटर्न है वो 0.22% है। 1 वीक में देख लो, 1 वीक में रिटर्न है 1.73% है। सेंसेक्स का रिटर्न है -0.23% का रिटर्न है। 1 डे में देख लो, 1 डे में जो रिटर्न है वो -0.01% है। सेंसेक्स का रिटर्न है -0.05% है। आप लोग आरती इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाएगा, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाने के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। लॉन्ग टर्म में भाई बढ़िया पैसा बनता है, शॉर्ट टर्म में बहुत ही कम पैसा बनता है। तो आप हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए पैसा बनाइए तो ही जाके आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। आरती इंडस्ट्री लिमिटेड का आपको मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा दे रहा हूँ। तो देखो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 49.36% होल्डिंग है। एफआईएस का जो होल्डिंग है आरती इंडस्ट्री में वो 7.43% होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड का जो होल्डिंग है वो 15.01% होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास जो होल्डिंग है वो 0.09% होल्डिंग है। अदर डीआई पर जो होल्डिंग है वो 0.81% होल्डिंग है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास जो होल्डिंग है 27.3% होल्डिंग है। कोई भी शेयर आरती इंडस्ट्री का प्लेस नहीं है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है।
एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के पास जो होल्डिंग है वो 8.23% होल्डिंग है। तो फ्रेंड इस कंपनी पे एचडीएफसी ग्रुप भी भरोसा करता है। वैल्यूएशन भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ आरती इंडस्ट्री का। पी रेशियो है आरती इंडस्ट्री का वो 32.09 का पी रेशियो है। प्राइस टू बुक वैल्यू है आरती इंडस्ट्री का वो 8.19 का प्राइस टू बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड जो है वो 0.29% का है। आरओसी जो लेटेस्ट है वो 17.23% का है। आरओई जो लेटेस्ट है वो 25.51% का है। तो मुझे इसका आरओसी आरओई बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है भाई। वैल्यूएशन यहाँ पे देख लो वेरी एक्सपेंसिव बता रहा है। अट्रैक्टिव जो प्राइस होगा आरती इंडस्ट्री का वो 143 से 349 के बीच अट्रैक्टिव प्राइस होगा जो कि कभी भी नहीं आने वाला है। क्वालिटी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख लो क्वालिटी एवरेज बता रहा है। सेल्स ग्रोथ जो 5 ईयर का है वो 13.49% का है। एविड ग्रोथ जो 5 ईयर का है वो 18.83% का है। तो भाई मुझे इसका सेल्स ग्रोथ एविड ग्रोथ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी देख सकते हो आरती इंडस्ट्री ने किस टाइप से रिटर्न बना के दिया है। तो देख लो 10 साल का रिटर्न है वो 4,247% रिटर्न है। 5 साल में 1,052% रिटर्न है। 3 साल में 197% रिटर्न है। 1 ईयर में 19% रिटर्न है। ईयर टू डेट में 10% रिटर्न है। 1 मंथ में 0.52% रिटर्न है। तो देख सकते हो भाई ये कंपनी कितना अच्छा रिटर्न बना के दे रही है। तो आप लोग इस कंपनी में पोजीशन बनाइए, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। 1485 के प्राइस पे फ्रेंड आपको खरीदना है। अगर ये स्टॉक इससे भी नीचे जाता है तो भी पोजीशन बनाएगा, लॉन्ग टर्म में आपको ये वेल्थ क्रिएट करके देगा। आरती इंडस्ट्री का 52 वीक हाई है वो 1807.85, 52 वीक लो है 1100। आरती इंडस्ट्री का मार्केट कैप देख लो, मार्केट कैप जो है वो 13,783.35 का मार्केट कैप है। तो भाई अच्छा खासा मार्केट कैप माना जाएगा, 13,000 करोड़ का मार्केट कैप कम नहीं होता है। पी जो है आरती इंडस्ट्री का वो 32.09 का पी है। इंडस्ट्री जो पी है वो 31.20 का। तो इंडस्ट्री पी को मुकाबले थोड़ा सा आरती इंडस्ट्री का पी हाई है। बुक वैल्यू जो है आरती इंडस्ट्री का वो 175.13 का बुक वैल्यू है। अर्निंग पर से देख लो कितना जबरदस्त है, 49.56 का अर्निंग पर शेयर है। बहुत ही बढ़िया भाई इसका अर्निंग पर शेयर, फेस वैल्यू 5 का है। तो आप लोग इस कंपनी में पोजीशन बनाइए लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। 1485 रुपये के प्राइस आता है तो आप लोग खरीद लेना, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है भाई। अगर फ्रेंड मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस नहीं करोगे तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। और आप लोग अपनी पोर्टफोलियो में आरती इंडस्ट्री को ऐड कीजिए, फाइन ऑर्गेनिक को ऐड कीजिए, अतुल लिमिटेड को ऐड कीजिए, और भी कई मैं कंपनी बता चुका हूँ जिसमें भाई आप लोग पैसा लगा सकते हो। अच्छी कंपनी खरीदोगे तो ही भाई पैसा बना पाओगे। आप लोग अपनी पोर्टफोलियो में फाइनेंशियल के आधार पर किसी कंपनी को जगह दीजिए, तभी जाके आप भाई कुछ कर पाओगे। धन्यवाद।